देखो फ्रेंड्स, हमारे पास हम अभी कस्टमर के घर पर आए वाले हैं। ये हमारे पास ये वॉशिंग मशीन है सेमी ऑटोमेटिक। इसका प्रॉब्लम ये है क्या, इसमें पानी डाले बाद ड्रेन का बटन नहीं दबाए बाद भी इसमें पानी ड्रेन से जा रहा है, यानी ये वाटर लीक हो रहा है। तो अभी हम इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपको प्रॉब्लम बताएंगे गाइस। ये हमारे पास देखो, पहले हम मशीन को देख लेंगे। ये अभी हमारे पास जो ब्रांड है, रिकनेक्ट ब्रांड है वॉशिंग मशीन का, 8 kg की वॉशिंग मशीन है हमारी। और ये हमारा जो बटन है, ये देखो वॉश टाइमर है, वॉश सेलेक्टर है, और ये हमारा ड्रेन का है। ठीक है गाइस, ये अभी हमारा ड्रेन पे है। तो इसका क्या हो रहा है गाइस, इसमें से पानी जा रहा है। पानी किस कारण जाता है वॉशिंग मशीन में से, आज हम आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करके बताएंगे कि मशीन में पानी आपने रखे और ड्रेन का बटन आपका सही है, लेकिन फिर भी मशीन में से थोड़ा थोड़ा पानी जा रहा है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है गाइस, तो हम आज आपको बताने वाले हैं। देखो मशीन को हम अभी पीछे की तरफ से इसको थोड़ा सा सरका लेंगे और हम आपको फिर स्टेप बाय स्टेप पूरा काम करके बताता हूँ गाइस। ये वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, इसी वीडियो में हम आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके बताएंगे गाइस। पहले तो मैं आपको पानी डाल के बता देता हूँ थोड़ा सा, क्या इसमें से पानी कैसा गिर रहा है। फ्रेंड्स, अभी हम इसमें पानी डालेंगे। हमारा ड्रेन का बटन आपको मैं बता देता हूँ कि देखो, ड्रेन का बटन हमारा सही है, अभी ड्रेन पर नहीं है। ड्रेन पर नहीं रहने के बाद भी हमारा पानी मशीन में से लीक हो रहा है। अभी देखो गाइस, हम इसमें पानी भर रहे हैं। ठीक है गाइस, अभी देखो पानी है, मशीन में हम डाल रहे हैं, लेकिन हमारा पानी इसमें से फिर भी, देखो ये हमारा ड्रेन पाइप है, ये देखो ये पानी हमारा ड्रेन में से गिर रहा है। और ये हमारा देखो गाइस, ये बटन हमारा ड्रेन का सही है, अभी हमने इसको ड्रेन पर नहीं किया, ड्रेन पर करेंगे तो हमारा पानी गिरेगा। देखो गाइस, अभी मैं इसको आपको ये ड्रेन पर करके बता रहा हूँ। ये हमने ड्रेन पर कर दिए, ये पानी की स्पीड देखो गाइस बढ़ गई है। तो ड्रेन पर नहीं होने के कारण भी जो है तो इसमें पानी ज़्यादा गिर रहा है। हम इसका भी सलूशन बताएंगे आपको, प्रॉब्लम सॉल्व करके बताएंगे। इस वीडियो को देखते रहेगा इस पूरा। देखो ये वॉशिंग मशीन का पिछला हिस्सा है, फ्रेंड्स हमने पीछे का खोल लिया है। अभी जो है तो हमारा ये ड्रेन का पाइप है, जो यहाँ से ड्रेन हमारा लीक हो रहा है। अभी लीक किस कारण हो रहा है, मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ गाइस। हो सकता है इसमें कोई मिट्टी जमा हो गई, या कोई इसमें जो हमारा जो रबड़ आता है, स्प्रिंग रबड़, इसमें जो आता है ड्रेन टाइप में, जो उसमें इसको लॉक करके रखता है वाटर को, हो सकता है उसमें मिट्टी बैठ गई होंगी गाइस। ये ड्रेन है, अभी इसको किस तरीके से खोलना है, इसमें लॉक वाला भी आता है और ये हमारा जो है तो घुमाने वाला है। अभी हम इसको घुमा के खोलेंगे। देखो गाइस, इसको थोड़ा सा प्रेस करना है। अब प्रेस करे बाद देखो गाइस, हम इसको खोलेंगे अभी। देखो गाइस, ये हमारा पानी थोड़ा सा गिर रहा है, यानी यहाँ पर पानी हमारा ब्लॉक हो जा रहा है, रुक जा रहा है। देखो गाइस, हमने निकाला है, यहाँ पर हमारा पानी रुक जा रहा है और निकल जा रहा है। ये किस कारण हो रहा है कि इसमें जो है तो देखो कितना डस्ट हो गया है, डस्ट के कारण हमारा पानी एक तो रुक जा रहा है और पानी डाले बाद थोड़ा थोड़ा ड्रेन में से गिर रहा था। अभी हम क्या करेंगे, ये हमारे पास देखो ये कितना डस्ट हो गया है, देखो ये कितना गंदा हो गया, ये इसको हम अच्छे से वॉश करेंगे, ये हम घान साफ करेंगे गाइस। हमारे वीडियो को पूरा देखिए, हम आपको उसका क्लीनिंग करके बताते हैं और फिर इससे हम मशीन स्टार्ट करेंगे और आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके बताएंगे। चालू हो गया। देखो गाइस, हम ये जो है तो ड्रेन ट्यूब हमारा जो, उसको कैसा खोलेंगे अपन, इसको थोड़ा सा ये रबड़ को क्रॉस करना है, इसको ऐसा थोड़ा सा घुमाना है, ये हमारा इसमें से निकल जाएगा। ठीक है, इसको निकाले बाद ये हमारा स्प्रिंग है। अब इसको क्या करना है, इसको हमें अच्छे से वॉश करना है, अच्छे से क्लीन करना है, या ज़्यादा घस गया तो इसे चेंज करना है। चेंज करने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा गाइस। ये आप चेंज कर सकते हैं, ये मार्केट में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। हो सकता है अभी हम इसको क्लीनिंग करें तो प्रॉब्लम हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी।
देखो गाइस अभी हमने इसको अच्छे से क्लीनिंग कर लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है। देखो अभी आपको दिख रहा होगा इस पर धूल मिट्टी कुछ भी नहीं है, इस पर जितना भी डस्ट हमने क्लियर कर दिया है। अभी हम उसको वापस से कनेक्ट करेंगे यानी फिट करेंगे और हम आपको वही सोल्यूशन बताएंगे कि आप पानी डाल के बताएंगे और ड्रेन का बटन चालू रहेंगे हमारा, फिर भी हमारा पानी लीक होता है कि नहीं होता है हम आपको आगे वीडियो में बताते हैं गाइस। अभी देखो इसका जो ड्रेन का है इस कारण ये जो इसके अंदर रबड़ के अंदर फिट होता है, इसे अच्छे से फिट करना है गाइस, ये हमारा निकलना नहीं चाहिए, इसको अच्छे से फिट करना है हमें। देखो मैंने अच्छे से फिट कर दिया है, ये अभी निकलेंगे नहीं। अभी हम आपको फिटिंग किस जैसा हमने निकाले थे ऐसे ही फिट करना है पहले। अभी हम देखो अभी हम इसको क्या करेंगे, ये देखो ये स्प्रिंग हमारे पास, इसको हम ऐसा करेंगे और यहाँ से हम इस तरीके से इसको वैसे ही घुमा के लॉक करेंगे। देखो फ्रेंड्स ये हमारा लॉक हो गया है। अभी हम इसमें मशीन में वॉशिंग मशीन में पानी डाल के देखेंगे कि अभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या नहीं। ठीक ये देखो ये अभी हमारा वॉश है, अभी हम इसमें पानी डालेंगे, पानी गिरना नहीं चाहिए, पानी गिरा तो समझ लेना प्रॉब्लम हमारा सॉल्व नहीं हुआ गाइस। देखो गाइस हम इसमें अभी वाटर डाल रहे हैं, अभी हमारा इसमें पानी गिरना नहीं चाहिए। मैंने आपको प्रॉब्लम बताया था इसमें पानी रहने के बाद पानी लीक हो रहा था ड्रेन पर, हमारा बटन नहीं होने के कारण भी हमारा पानी लीक हो रहा था, ये प्रॉब्लम मशीन में हमें आ रही थी। देखो हमने अच्छा खासा इसमें पानी भर दिया गाइस, अभी हम ड्रेन की तरफ देखेंगे, देखो ड्रेन में हमारा कुछ भी पानी नहीं गिर रहा है। इसी के साथ साथ हम बटन पर भी देखेंगे, ये देखो हमारा वॉश पर ही है, अभी हमारा ड्रेन पर नहीं है, हम ड्रेन पर करेंगे तो हमारा पानी गिरेगा गाइस। ये आज हमने देखो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है कि मशीन में ड्रेन के बटन नहीं दबाने पर भी मशीन में से पानी गिर रहा है, ये हमने आज प्रॉब्लम सॉल्व करके बताया। देखो उसमें गाइस कितना पानी है, ये डस्ट होने के कारण गाइस ऐसा प्रॉब्लम आता है। होप गाइस आपको मेरा ये वीडियो समझ में आ गया होगा, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।